अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम आंखों देखी। मैं हूं कासिम राणा और आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, हवस और लालच इंसान को कितना गिरा सकता है कि वो अपने बच्चों तक को भूल जाए। और फिरौनियत क्या शय है कि इंसान खुद को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझने लगे। एक ऐसा ही वाक्या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये उन दिनों की बात है जब हम कराची में रह रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो हमारे पड़ोस में एक फैमिली आई जो कि चार लोगों पे मुश्तमिल थी, मियां बीवी और दो बच्चे थे उनके। और जल्द ही उनके जो है वो मरासम, जाहिर सी बात है, पड़ोस के साथ हमारे साथ बन गए। और उनके जो दो बच्चे थे उनमें से जो बड़ा बच्चा था, 5-6 साल का बच्चा होगा, वो अक्सर हमारे घर पे आता और खेलता रहता। हमें भी उससे काफ़ी उनसियत हो गई थी तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता कि शायद उसकी माँ को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। फिर भी हमने कभी उसे पूछा नहीं। ये सिलसिला चलता रहा। उसका मियाँ रिक्शा चलाता था, वो सुबह अपने रोज़ी रोज़गार के लिए निकल जाता और बीवी हाउसवाइफ थी तो वो घर पर रहती और बच्चों को संभालती और घर के कामकाज करती। लेकिन उसका हस्बैंड अक्सर उससे एक बात पर लड़ता था और वो ये कि वो अक्सर दरवाजे पर खड़े होकर इधर उधर देखती थी, जिस पर वो बहुत नाराज़ होता था। पूरे मोहल्ले को इस बारे में पता था, कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। उसका मियाँ था, हस्बैंड था, और उसके घर घरेलू मामला थे तो वही उससे डिस्कस कर सकता था। अलबत्ता ये नाचाकी चलती रही। चलते चलते ऐसा हुआ कि एक दिन वहाँ से एक ऐसे शख्स का गुज़र हुआ जो कि बदनाम ज़माना एक ओबाश नौजवान था। और उसने कोशिश की कि उसके साथ कोई किसी तरीके से मरासम बनाए जा सकें और वो कामयाब भी हो गया। अब हालात कुछ दूसरी जानिब जा रहे थे, सब लोग देख भी रहे थे, लेकिन कोई जाहिर सी बातें बात तो कर सकता नहीं इस बारे में। और उस लड़के का असर वसूख भी काफ़ी ज़्यादा था, वो एक किसी पार्टी से ताल्लुक़ भी रखता था। अब इसी बिना पर हुआ ये कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बाकायदा तौर पर उसको लेके कहीं पिकनिक पे या कहीं शॉपिंग वगैरह करवाने के तक भी ले गया, तो उसके मियाँ को पता चल गया। वो आया, उसने काफ़ी डांट डपट की, हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, पड़ोस था हमारा, हम भी परेशान थे कि भई ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो चूंकि वो जो लड़की थी उसका बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और वो बाहर की दुनिया देखती थी और उसे लगता था कि ये रिक्शा चलाता है, जाहिर सी बात इसके पास इतने अखराजात, इतने मामलात भी नहीं है, तो ये मुझे किस तरह से लेके कराची शहर के अंदर मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर पाएगा, शायद उसके जहन में ऐसा कुछ रहा होगा। यही वजह थी कि उसने उस लड़के के साथ डिस्कशन की कि ये मेरा मियाँ तो अब जो है वो बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया और उसने सख्ती से मना कर दिया कि भाई अब तुम्हें बाहर भी खड़े नहीं होना और अगर तूने उसके साथ कोई रابطہ रखा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। और ये उसका हक भी था, उसने सही किया। इसका असर ये हुआ कि उसने कहा ठीक है, ये रोज़ रोज़ का किस्सा ही ख़त्म करो, तुम एक ही बार मेरे साथ चलो। हालांकि वो शादीशुदा थी, बच्चों वाली थी, उसे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उसने बच्चों के बारे में नहीं सोचा और वो अपने लालच और हवस में इतनी अंधी हुई कि अपने बच्चों को रोता बिलकता छोड़कर और अपने शौहर को तकलीफ़ में छोड़कर वो उसके साथ दिन दिहाड़े चली गई। अब चूंकि वो असर रसूख रखने वाला शख्स था तो वो रिक्शे वाला बेचारा उसका क्या कर सकता था। और दूसरी बात, मेन चीज़ ये कि जब उसकी वाइफ ही रजामंदी के साथ उसके साथ जाने को रेडी थी तो इसमें फिर वो क्या कर सकता था। मैक्सिमम तलाक दे सकता था, लेकिन वो चाहता था कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो और हत्तल इम्कान कोशिश हो कि ये मामला दोबारा से तय पा जाएं, इसलिए वो रुका रहा, वो उसको ले गया और मामला इसी तरह से चलते रहे। जब उसने देखा कि कोई सूरत हाल नहीं बन रही तो उसने जो इलाके के असर रसूख रखने वाले लोग थे उनके पास जाना शुरू किया। वो जानता था कि अगर मैं पुलिस स्टेशन गया तो केस दर्ज ज़रूर हो जाएगा लेकिन मेरे साथ भी गलत मामलात पेश आएंगे और पुलिस वाले सुनते तो हैं नहीं पहले ही। इसलिए उसने
ये सोचा कि मैं क्यों ना असर सुख रखने वाले लोगों के पास जाऊं जो जिनकी बात में वजन है, हो सकता है वो उसको प्रेशराइज कर सकें, उसको समझा सकें कि भाई ऐसा मत करो, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। जब जाहिर सी बात है जो लोग मोहल्ले में एरिया में जो लोग पावरफुल होते हैं वो उनकी बात का वजन तो नो डाउट होता है, प्रेशर तो होता है। तो जाहिर सी बात उसे भी बखूबी अंदाजा था कि अगर ये लोग मेरी तरफ हो गए तो मुझे जो है वो स्टेप बैक करना पड़ेगा। लिहाजा जब उसे ये सब कुछ पता चला तो वो फिर एक ही बार वो रिक्शे वाले के पास गया और उसने उसको कहा कि देखो अभी तुम्हारे बच्चे हैं, बीवी तुम्हारी भले चली गई लेकिन एटलीस्ट बच्चे तो हैं और तुम कारोबार कर रहे हो, अगर तुमने ये लोगों के पास जाके रोना ना छोड़ा तो ना तुम बचोगे ना तुम्हारे बच्चे। यहाँ तक सूरत हाल हो गई और उसने कहा कि रातों रात बेटर है कि तुम अपना सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए ये मामलात कुछ ठीक नहीं होंगे। वो गरीब आदमी था, रोजी रोजगार कमाने वाला आदमी था, बेचारा क्या करता, और उसे पता था कि इन लोगों का असर रसूख बहुत ज़्यादा है और मैं इनके साथ लड़ नहीं सकूंगा। लिहाजा उसने यही किया, एक दो दिन में अपना रिक्शा बेचा, सामान इकट्ठा किया और वो वहां से चला गया। जो शख्स ये उसकी बीवी को लेकर गया था वो कुछ ज्यादा दूर नहीं गया था, सिर्फ 3-4 गलियां दूर और वो भी हमारे बिल्कुल करीब ही थी। और जहां उसने किराए का घर ले रखा था वो घर में अकेला रहता था और जब इसको ले गया तो जाहिर सी बात दो हो गए। वहां पर मोहल्ले में यही इंप्रेशन था कि शायद ये इसकी बीवी है, क्योंकि कराची शहर है, बराबर वाले मोहल्ले में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, तो उनको लगा शायद इसने शादी कर ली है, ये इसकी बीवी है। लेकिन हमें तो इल्म था, तो जहां उसने मकान किराए पर लिया था उसके बराबर में एक चाय का होटल था और मैं अक्सर वहां जाया करता था। चूंकि वो मेरी पड़ोसन थी, जब भी मैं वहां जाता वो अक्सर अगर घर से बाहर निकलती मुझे देख लेती, बहुत नादम होती, फेस नीचे करती या घर चली जाती, नहीं बाहर खड़ी होती। लेकिन इस बीच में मैं आपको जो मेन अहम बात है वो बताता चलूं कि वो लड़की एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्टिव क्यों हो गई, एकदम से उसकी तरफ माइल क्यों हो गई, क्या देख लिया उसने ऐसा। वो ये कि जब वो उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया मार्केट के अंदर, तो वो जहाँ से सामान लेते वो लोग उससे पैसे नहीं लेते लड़के से, और अगर कोई पैसे मांगता तो वो उसको धमकाता, गालियाँ बकता और कहता तुम्हें पता नहीं है मैं कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो जब उस लड़की ने उसका असर रसूख देखा तो उसके अरमान जागे कि ये वो शख्स है जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। यही वजह है कि वो खींची चली आई। अब चूंकि शादी तो नहीं हुई थी अभी तक, लेकिन वो इस चक्कर में लगा हुआ था कि उधर से निकाह टूटे और मैं निकाह करूं, अभी तो टूटा नहीं था, लेकिन चूंकि उसके घर में तो रह रही थी वो देख रही थी सूरत हाल को कि वो बाहर जाता मार्केट से सामान लेता तो कोई भी उससे पैसे नहीं लेता था और अगर कोई मांगता तो वो धमकाता था। अब चूंकि वो भी जाहिर सी बात है काम के लिए कहीं तो उसे आगे पीछे जाना पड़ता था, तो अब कम से कम इसे आज़ादी मिल चुकी थी, ये बाहर गली में खड़ी हो सकती थी, ये उसी के दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी जा सकती थी क्योंकि वो तो रोकता नहीं था, उसे क्या टेंशन थी, बीवी तो किसी और की थी। तो अब उसे मुकम्मल आज़ादी मिल चुकी थी, उसे लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जाहिर सी बात है नज़र तो आ रहा था कि उसने बहुत बुरा किया है। ऐसे हालात में उसने ये किया कि जब वो खुद बाहर जाती सामान लेने के लिए तो बाकायदा तौर पर लोगों को पता चल चुका था कि ये उसकी बीवी है, तो जब ये जाती तो ये भी वैसे ही करती, जब किसी से सामान लेती तो उसे कहती तुम्हें पता नहीं मैं किसकी बीवी हूँ, उसका नाम लेती और सामान लेकर चली जाती। ये हकीकी वाकया बता रहा हूँ आपको मैं। और लोग ठेले वाला, समोसे वाला, पकौड़े वाला बेचारा क्या लड़ेगा, या सब्जी वाला क्या लड़ेगा, वो दे देते सामान और चुप कर जाते। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद लोगों को तश्वीश लाहक होना शुरू हुई कि ठीक है पहले इसका मियाँ आता था अब तो ये खुद भी आती है, तो ये तो यार बड़े मामला था, हम तो खुद गरीब लोग हैं, अगर 100-200 का सामान ये ले गए तो हमारी बचत तो ये लोग हैं, हमें क्या बचेगा। तो लोगों में तश्वीश पाई जाने लगी, लोग उनको नफरत की निगाह से देखना शुरू हो गए। ये सिलसिला चलता रहा और सब लानत मलामत कर रहे थे कि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। वो औरत महसूस कर रही थी कि मैंने जो चाहा वो पा लिया,
वो मर्द ये सोच रहा था कि मैंने अपनी जिद पूरी कर ली, और वो गरीब मियाँ और बच्चे परेशानी की हालत में अपने आबाई गांव जा चुके थे। देखने को उनके लिए बहुत कर्मनाक सूरत हाल थी, जबकि इन दोनों के लिए तो ये खुशी का समा था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं चली। कुछ ही हफ्तों के बाद एक दिन मैं उस चाय के होटल पे चाय पी रहा था कि एकदम से फायर की आवाज़ आई, बुम। और जो कराची में रहते हैं या उसके इर्द गिर्द रहते हैं या कराची के बारे में जानते हैं, उनको पता है जैसे ही गोली की आवाज़ आती है तो शटर धड़ नीचे गिरते हैं। शटर गिरे, हमने भी गिराया, और चंद ही लम्हे में हर तरफ सन्नाटा छा गया, सब लोग गायब। हम लोगों ने आहिस्ता से शटर खोला क्योंकि हमारे बिल्कुल करीब वाकया हुआ था, और हम बाहर निकले देखने के लिए कि कौन था। जो मेरा दोस्त था उसने देखा वो रिक्शे के साथ औंधा लेटा हुआ था। उन्होंने गोली उसके मुंह में मारी थी जो कि उसके सर से निकल चुकी थी, लिहाजा मुंह उसका साबुत था जबकि पीछे से पूरा सर बिल्कुल फट चुका था, खत्म हो चुका था, भेजा बाहर आ चुका था। अब उसने कहा कि ये वही है उसका मियाँ। मैंने कहा नहीं यार, कोई और होगा। उसने कहा नहीं, वही है। हम जब करीब गए अब वहाँ कोई नहीं था, अभी रिसेंट वाकया था, लोग भाग चुके थे, घबराए हुए थे, लेकिन हम चूंकि सिर्फ देखना चाहते थे कि कौन है, हम करीब गए और देखा तो वही था। और वो शख्स जो फिरौनियत की जिंदा मिसाल बना हुआ था, जो लोगों को गालियां बकता था, मलामत करता था, और जो समझता था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, वो शख्स रोड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था और उसे कोई उठाने वाला ना था। ये मकाफात अमल है, ये हिरस और लालच, जिद, और ये जुल्म का नतीजा था। एनीवे, वो तो मर गया, गरीब का घर तो उजड़ चुका था। अब बात आती है उस लड़की की। हैरत की बात यह है कि उस लड़के के मरने के बावजूद भी उसे कोई बहुत ज्यादा असर हुआ नहीं। वो वैसे ही कुछ दिन के लिए खामोश रही, और उसके बाद उसी के दोस्तों के साथ वो कभी किधर शॉपिंग के लिए जा रही है, किधर शॉपिंग के लिए जा रही है। लेकिन वो दोस्त तो इसलिए उसके साथ थे क्योंकि उसका मियाँ उनका सरगना था। अब जब वो मर चुका था तो कोई एक बार साथ देगा, दो बार साथ देगा, तीसरी बार कोई उसके साथ चलने को तैयार नहीं था। अब वो किराए का घर, क्या वो उसका किराया खुद देगी? मियाँ जा चुका है, ये मर चुका है, लोग उसको लानत मलामत कर रहे हैं कि तुम छोटे छोटे बच्चों को रोता छोड़कर आई हो, तुम किस मुंह से हमसे मदद भी मांग सकती हो? ना तुम्हारा ये मुंह है कि तुम किसी से मदद मांगो। कुछ हफ्ते वो वहां रही और उसके बाद अचानक से सामान उठाया और गायब हो गई। उसके बाद मैं कभी उससे नहीं मिला, लेकिन ये एक मैसेज है। आपको इस मैसेज से क्या सबक मिला मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़िद और अना रखते हैं उनको टैग करें, और ख़ास तौर पे उन लड़कियों को जो हिर्स और लालच में आकर ऐसे काम करती हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त इन अल्फाज के साथ कि अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान। बस हम्म।